3, chapter menstruation, class 6. Let us understand the question. What is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of rupees 8 per 100 square meters? ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड है जिसका लेंथ 500 मीटर है और ब्रेथ 200 मीटर है. ठीक है, हमें उस रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड को टाइलिंग करनी है, उसके ऊपर टाइल्स फिट करने हैं. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उस पर टाइलिंग करने का कॉस्ट क्या होगा. अगर रेट ऑफ द कॉस्ट गिवन हियर इज रुपीज 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, पर 100 स्क्वायर मीटर पे टाइलिंग करने का कॉस्ट रुपीज 8 है, तो टोटल लैंड पे टाइलिंग का कॉस्ट क्या आएगा. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. लेट अस सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड. मान लेते हैं कि यही रेक्टेंगुलर लैंड पीस है. ठीक है, इसका लेंथ क्या है 500 मीटर और ब्रेथ है 200 मीटर. ठीक है, तो इसका डायमेंशन पहले हम लिख लेते हैं. लेंथ ऑफ लैंड इज इक्वल टू 500 मीटर्स, ब्रेथ इज ऑफ लैंड इज इक्वल टू 200 मीटर. ठीक है, 200 मीटर. नाउ अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस लैंड के ऊपर टाइलिंग का कॉस्ट. और जो कॉस्ट गिवन है वो पर स्क्वायर मीटर गिवन है. ठीक है, पर 100 स्क्वायर मीटर. इट मींस दैट कि हमें पहले इस एरिया का, इस लैंड का एरिया फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि पूरे टाइलिंग का कॉस्ट क्या आएगा. तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट. तो एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. हमने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, तो इसीलिए हमने लेंथ इनटू ब्रेथ लिखा है. तो 500 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 200 मीटर. ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग दिस व्हाट वी विल गेट, 5 2s are 10 एंड 1 2 3 4 0s, 1 2 3 4. ठीक है, ये 10 तो आ गया, 5 2s are 10 एंड बाकी के 4 0s स्क्वायर मीटर. इट मींस दैट द एरिया ऑफ द टोटल लैंड प्लॉट इज हाउ मच, इट इज 1 lakh स्क्वायर मीटर. ठीक है, अब हम इसका हमें इसका टाइलिंग का कॉस्ट फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट राइट डाउन हियर, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू रुपीज 8. ठीक है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में गिवन है 100 स्क्वायर मीटर पे टाइलिंग का कॉस्ट रुपीज 8 है. तो पहले हम 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू रुपीज 8 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, जस्ट रिमेम्बर द यूनिटरी मेथड, 8 डिवाइडेड बाय 100, ये 100 जाके इधर डिवाइड करेंगे. ठीक है, एंड दिस वी कैन राइट एज रुपीज 0.08. ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द कंप्लीट एरिया. ठीक है, तो कंप्लीट एरिया क्या है, 1 lakh स्क्वायर मीटर, दैट वी विल राइट हियर, स्क्वायर मीटर. तो रुपीज 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 1 lakh. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 एंड 1 2 3 4 5 0s, 5 0s. ठीक है, एंड आफ्टर 2 digits वी हैव टू राइट द डेसिमल, वी हैव टू पुट द डेसिमल. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रुपीज 8000. दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग. ठीक है, तो विल राइट हियर, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग
is rupees 8000. This is the final statement. ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इस लैंड का एरिया फाइंड आउट किया, फिर जो रेट गिवन है वो गिवन है 100 square meter per 100 square meter. तो उसको हमने क्या फाइंड आउट किया, पहले हमने फाइंड आउट किया कि पर स्क्वायर मीटर में क्या कॉस्ट आएगा, एंड देन टोटल एरिया में से मल्टीप्लाई करके वी गॉट द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग. ठीक है, दिस इज द आंसर.